सोशल मीडिया के अवैध हथियारों के साथ रील बनाने वाली बदमाशों को इंदौर पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने न सिर्फ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि उनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर हीरोगिरी दिखाने वाले युवक पुलिस गिरफ्त में आते ही हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे हैं और अब रील बनाने से तौबा करते नजर आए हैं। सोशल मीडिया पे कुछ जो कि कुछ लड़कों के द्वारा, युवकों के द्वारा इस तरह के फोटो वायरल फोटो अपलोड कर दिए थे। फोटो और वीडियो रील भी बनाई है जिसमें कि उनके साथ हथियार है, हथियार के साथ उनके द्वारा ये अपलोड कर दिए गए थे वीडियो और फोटो। तो ऐसी स्थिति में क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस के सभी थानों के द्वारा मुहिम चलाई जाकर इन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें FIR भी रजिस्टर्ड, 5 FIR रजिस्टर्ड की गई हैं। इसमें कुल 13 आरोपियों को अभी फिलहाल हिरासत में लिए जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें कुल मिलाकर 6 चाकू जब्त हुए हैं और 4 जिसमें FIR है और 4 आरोपी जिसमें 6 चाकू जब्त हुए हैं और 1 FIR में जिसने अपने मालिक की जो पिस्टल थी वैध लाइसेंसी पिस्टल के साथ उसने वीडियो अपलोड किया था। और इसके अलावा 8 लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा अश्लील शब्द कहे गए थे सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। तो कुल मिलाकर ऐसे 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन्हें कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो इस तरह के जो वीडियो फोटो के साथ वीडियो को रील बनाते हैं, अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है तो उनके लिए पृथक से प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। और इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी युवक इस तरह के फोटो और वीडियो डालते हैं तो कृपया सचेत हो जाए। उनका करियर खराब हो सकता है अगर उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वो सरकारी नौकरी में नहीं जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, उससे उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। अतः इन हरकतों से बाज आ जाए। सर, हाल ही में सलमान लाला को गिरफ्तार किया है तो सर उसके देखिए अभी इस तरह की बात सामने नहीं आई है। सलमान लाला का खुद का एक फोटो जरूर है सोशल मीडिया पर अपलोड था जैसे पिस्टल लेकर था। सलमान लाला को भी कल क्राइम ब्रांच और MIG पुलिस के द्वारा उसको उठाया है, उसको गिरफ्तार किया जाकर उसकी पुलिस रिमांड लिया जाकर उसके खिलाफ अलग से पृथक से प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई भी की जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।